हम तो दिवाली नए घर पर मनाने की आस लेकर बैठे थे। आप बोलिए ना उनको जल्दी करने के लिए। हाँ बाबू भाई, आप जल्दी नहीं कर सकते प्लीज। हाँ क्या कि दिवाली में हम सबके घर में रेती सीमेंट धूल ईंट सब उड़ रहा हो तो कैसा लगेगा? ईंट सॉरी ईंट नहीं, मेरा मेरा मतलब है कि दिवाली के पहले पहले अगर सबके घर नए हो जाते हैं तो क्या हम सब इस बार की दिवाली नए घर में मना सकते हैं ना बाबू भाई? सही बात है बाबू भाई, ना मत बोलिएगा। एक मिनट, अरे देखिए आप लोगों के घर के इंटीरियर का काम अभी आधा अधूरा है। सबसे पहले तो हमें उसे समझना पड़ेगा। पुराने और नए काम को नए सिरे से जोड़ने के लिए हमें कुछ जरूरी तोड़फोड़ भी करनी पड़ेगी, और हमारे भी दो ही हाथ है दीवार तोड़ के। ओ बाबू भाई, रेनोवेशन के काम में अगर हम सब मिलकर भी दो दो हाथ बटाएं तो काम जल्दी हो जाएगा ना। करेक्ट, बराबर। अब भाई अगर हो सके तो एक काम कीजिए ना, आप मजदूरों की संख्या बढ़ा दीजिए, ज्यादा मजदूर आएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। सही बात है, बराबर बोल। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइट। आप आदमी बढ़ा दो प्लीज, लेकिन दिवाली के पहले काम खत्म हो जाना चाहिए। अरे मैं आदमी बढ़ा सकता हूँ लेकिन काम करने का टाइम तो नहीं बढ़ा सकता ना। अरे तो काम कीजिए ना, रात को लेट तक काम चालू रखिए। अरे आप लोग समझते नहीं है, हम लोग लेट तक काम करेंगे तो कारीगर अपने घर लेट पहुंचेंगे, और मेरे कई कारीगर ऐसे हैं जो विरार वसई दूर दूर से आते हैं। अगर वो घर लेट पहुंचेंगे तो दूसरे दिन भी लेट ही काम पर आएंगे ना दीवार तोड़ के। बाबू भाई आपके कोई मजदूर यहाँ आसपास गोरेगांव जोगेश्वरी वगैरह में नहीं रहते हैं क्या? नहीं। अरे फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात को अगर लेट जाएंगे वैसे ही विरार तो फिर तो दूसरे दिन सुबह लेट ही आएंगे, बहुत दूर है भाई। अरे भाई दिवाली के पहले घर रिनोवेट नहीं होंगे तो दिवाली बिगड़ जाएगी। अरे दिवाली तो अभी दूर की बात है पोपटलाल, हमारे दिन रात तो अभी बिगड़ गए हैं। अरे तो हम सब जेल में होंगे। कैसे? उनके घर वाले हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे कि हमने उनको अगवा कर लिया, किडनैपिंग। नहीं 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 नहीं, टप्पू के पापा आप खामखा लंबी सफर पे गए। मेरा मतलब ये है कि मजदूर भाइयों की रात को रहने की खाने की व्यवस्था हम यही करते तो सोसाइटी में ही। क्या बोल रही है दे? तो हमारा काम जल्दी से फटाक से हो सकेगा ना? भाई लेकिन हमारे रहने का प्रॉब्लम है हमारे घर में, तो उनकी व्यवस्था कहाँ होगी दया? नहीं नहीं जीठा जी, दया भाभी का आइडिया एक्चुअली अच्छा है। काम कर अगर दिन में हमारे यहाँ पे काम करेंगे और रात को यहीं पे रुकेंगे तो फिर उनका आने जाने का टाइम भी बच जाएगा, और देखा जाए इस हिसाब से तो हमारा घर का काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। वाह वाह दया भाभी, मस्त आइडिया है। आगे बहुत बढ़िया आइडिया है। वो मैं समझा बबीता जी, लेकिन अरे जीठिया क्या लेकिन, अरे जरा सोच, अगर इनके रहने का बंदोबस्त हमने यही सोसाइटी में कर दिया तो देर रात तक काम करके यही आराम करके दूसरे दिन सुबह जल्दी काम शुरू भी कर सकते हैं, क्यों भैया? नहीं नहीं बराबर है, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या टाइम भी बचेगा और काम भी ज्यादा होगा। लेकिन सिर्फ बाबू भाई और कारीगर मानने चाहिए। हाँ मैं वो बोल रहा हूँ। बाबू भाई अगर आप मान जाएंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। आप अपने मजदूरों से बात कर लीजिए, अगर आपको और मजदूर भाइयों को अगर कोई ऐतराज ना हो तो हम इनके रहने के लिए यहाँ कुछ टेंट बांध सकते हैं जिसमें रह सकते हैं। और कारीगर भाइयों की खाने की व्यवस्था हम सब लेडीज कर देंगे। बाबू भाई खाना खाने के बाद चूड़ा मेरी तरफ से। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भाई। सही बात है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सोसाइटी में दो कॉमन बाथरूम भी है, आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगी। एक मिनट, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे। ये नकारात्मक लाल शुरू हो गया। अरे भाई हकारात्मक सोचो, क्या हमेशा नकारात्मक सोचते हो? सॉरी सॉरी भाई, वो जो जो देख के ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए बोला मैंने। लग तो हमें भी रहा है पोपटलाल, लेकिन बोल रहे हैं क्या कोई चीज ऐसे? ओके सॉरी।
भिड़े भाई, मेरे सभी कारीगर रात को रुकने के लिए तैयार। दिवाली के पहले सबके घर रिनोवेट हो जाएंगे। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर आप लोगों को आपका घर रिनोवेट करके दिवाली से पहले चाहिए तो हमारी एक शर्त है, दीवार तोड़ दी। सर, अरे बाप रे, आता का सगड़ा रहा। आप सभी एक साथ अपना घर खाली करके हमें काम करने के लिए सौंप दीजिए। अरे एक साथ पूरा घर कैसे दे सकते हैं भाई? देखिए, हम लोग हॉल में काम करेंगे तो आप लोग बेडरूम में रहेंगे, हम लोग बेडरूम में काम करेंगे तो आप लोग हॉल में रहेंगे, और अगर हम किचन में काम करेंगे तो इसमें वक्त ज्यादा जाएगा। आप लोग कहीं पर शिफ्ट होके हमें पूरा घर सौंप दीजिए तो हम एक साथ सभी कमरों में काम शुरू कर देंगे, तो काम जल्दी हो जाएगा, तो फिर हम आपको दिवाली से पहले आपका घर रिनोवेट करके सौंप सकते हैं दीवार तोड़ के। घर में कितना सारा सामान पड़ा है। नहीं नहीं बाबू भाई, ऐसे एक साथ पूरा घर आपको सौंपना जरा थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और बाबू भाई सोचिए, हम घर आपको सौंप देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बराबर बाबू भाई, ऐसे पूरा का पूरा घर सौंपना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर दिवाली से पहले आपका काम नहीं हो सकता, आपको अपना घर नहीं मिल सकता दीवार तोड़ के। देखिए देखिए, अगर आपको चाहिए तो मैं दिवाली से पहले तीन घर रिनोवेट करके दे सकता हूँ। तीन घर? अब आप लोग डिसाइड कर लो किसके तीन घर चाहिए। ऐसे कैसे तीन घर डिसाइड करेंगे? बराबर, तो फिर सबको पूरा घर सौंपना पड़ेगा वरना नहीं होगा। लो, फिर से काम अटक गया। पता नहीं कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया। ए पापा, तो चुप करना यार, तुमने पनौती लगाई है पोपटलाल। अरे पर आप लोग बहस करेंगे उससे समस्या सुलझ नहीं जाएगी। भाई देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये बहुत सीरियस मैटर है, और अगर दिवाली से पहले हमें अपना घर रिनोवेट करवाना है तो हमें आज ही ये फैसला करना होगा कि हमें पूरा घर इन्हें सौंपना है या नहीं सौंपना। एक मिनट बाबू भाई, जरा हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग अभी डिस्कस करके आपको बताते हैं। ठीक है, आइए जरा क्लब हाउस में चलते हैं। हाँ, 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 भाई बात तो करनी पड़ेगी ना, कैसे चलेगा? नहीं नहीं, पूरा घर उन्हें सौंप देंगे तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? जाऊं कहाँ बताए दिल, सूझे ना कोई मंजिल। तो मजाक सूझ रहा है। मैं एक्चुअली कुछ आइडिया सोच रहा था कि गाने से शायद कुछ आइडिया आ जाए। और टप्पू के पापा, हम अमृतसर चले जाए तो? तो फिर रोज क्या मैं अप डाउन करूं गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स मारने के लिए? थोड़ा दूर पड़ेगा। नहीं आचार्य, मैं क्या बोलता हूँ, हम सब लोग ये क्लब हाउस में रहे तो। अरे अय्यर भाई, यहाँ इतना सामान है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं बबीता जी? और सबसे बड़ी बात भाई, सामान तो यहाँ रखा ही है लेकिन क्लब हाउस का भी तो रिनोवेशन होगा। हाँ। तो हम कैसे रहेंगे यहाँ? सही बात। Exactly. हाँ यार, हम लोग क्लब हाउस का रिपेयरिंग रोक भी नहीं सकते। एक तो हमने मटेरियल मंगवा लिया है, अगर हम लोग काम रोक देंगे तो बाद में महंगा पड़ेगा भाई। बिल्कुल, इसलिए अभी एक साथ हो जाए तो अच्छा है। सु करिए के रास्ता नथी सुचतो। हां, आ गया आईडिया, आ गया बहुत बढ़िया आईडिया मिल गया। बोल बोल बोल, सु आईडिया। क्यों ना हम सब कुछ दिनों के लिए किसी अच्छे होटल में रूम बुक करा ले। अबू भाई, अरे वाह, वहाँ तो खाने पीने का भी बंदोबस्त रहेगा। अरे आती भाई, कैसी बातें कर रहे आप? सोड़ी आती भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए, इतने सारे लोगों का रूम बुक करना होटल में कितना खर्चा हो जाएगा। हाँ सोड़ी आती भाई, एक तो कितने दिन काम चलेगा मालूम नहीं है हमें, मतलब जितने दिन काम चलेगा उतने दिन होटल में रहना, कितना भाड़ा भरना पड़ेगा। अभी ठीक है, चलो कुछ और सोचते हैं। वैसे अगर आप लोग बोले तो मेरे पास एक आइडिया है जो टिकाऊ भी है और सस्ता भी है। हमारे सोसाइटी में दो फ्लैट्स हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, एक है मटका किंग मोहनलाल का फ्लैट और दूसरा है चंदा रमणी का फ्लैट।
अगर आप सब लोग एग्री करते तो हम लोग कुछ दिन के लिए उस फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। आइडिया अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में। बबीता बबीता एक मिनट देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो, वो दोनों फ्लैट का कंडीशन रहने जैसा तो है ना? अय्या टेंशन मत लो, दोनों का घर एकदम उत्तम कंडीशन में है। और वहाँ दागिने भी हमारे साथ सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ अग्दी। हाँ छोड़िए, फटाफट पैक कर लेते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेकिन वो चंदा रमानी और मटका किंग मोहनलाल की परमिशन भी लेनी पड़ेगी ना भिड़े। पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, मैं परमिशन ले लूंगा और मुझे यकीन है वो ना नहीं बोलेंगे। हाँ तो फिर ये तय रहा ना, बराबर है ना ये? नेकी और पूछ तुरंत बात करो उन दोनों से। तो ऐसा करते हैं कि चंदा रमानी के घर पे सारी लेडीज रहेगी और बाकी हम सब लोग मोहनलाल के घर पे रहेंगे, है ना? बहुत बढ़िया बापू जी, छान आइडिया है। और सोसाइटी के सोसाइटी में अपनी पिकनिक भी हो जाएगी। सही बात है। यार मजा आ जाएगा। ठीक है तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी जाहिर करता हूँ कि जब तक रिनोवेशन का काम चलेगा तब तक सारी लेडीज चंदा रमानी के घर में रहेंगी और सारे जेंट्स मटका किंग मोहनलाल के घर में रहेंगे। ठीक है। चलो ये काम बहुत बढ़िया हो गया। हाँ मैं आता हूँ। आइए भाई आइए। कैसे होता है? आइए आइए। अभी वादी बताता हूँ सबके सामने बात होनी चाहिए। आइए आगे। हाँ आगे आगे आगे। चलो हम सभी सोसाइटी वालों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग आज ही पूरा का पूरा घर काम करने के लिए आपको सौंप देंगे। मतलब जो जरूरी सामान है वो अभी हम लोग पैक कर लेते हैं और फिर घर आपको सौंप देंगे। आप लोग सब अपना जरूरी सामान ले लो और बाकी के सामान की चिंता बिल्कुल मत करो, एक सुई तक नहीं हिलेगी दीवार तोड़ के। क्या बात है। पर एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आप लोग सब रहेंगे कहाँ? अरे रेनोवेशन का जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक सोसाइटी में दो फ्लैट खाली है, हम सब वहाँ पे रहेंगे। बस आप इतनी सी मेहरबानी हम पे कीजिए कि दिवाली से पहले हमें हमारा घर दे दीजिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम जी तोड़ मेहनत करके दिवाली से पहले आपका घर क्लब हाउस के साथ दे देंगे दीवार तोड़ के। चलिए अभी हम सब लोग जल्दी जल्दी घर पर जाते हैं और हमारा सामान पैक पुक करके नीचे आते हैं। हाय बाबा। मेरी बैग रेडी है। रेडी है? सब कुछ पैक कर लिया? हाँ। किताबें रख ली मेन? हाँ। वेरी गुड। तू काय अशी रघुमा सारखी कवेरो हाट टू मूवी आहेस, पॅकिंग करो। ये विठ्ठल इधर से हिलेगा तो मैं वहां से कपड़े निकालूंगी ना। ओके जो खड़े तो मुझे वो हाँ वो कुर्ते देना पड़े सारे। चलो अभी बैग में नाम लिख देता हूँ फिर नीचे जाते हैं, है ना? ओके। सबसे ज्यादा कीमती है गहने हैं। रजन माई डार्लिंग, अब मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती तो तू है, तू कहते तुझे पैक कर लूं डार्लिंग। पापा 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 बैग में गड्डी पैक की के नहीं? गड्डी गड्डी में बैग कैसे पैक हो सकता है यार? मतलब बैग में गड्डी। वही सुनिए, वही वही वही। पापा मैं आपकी गड्डी नहीं मेरी गड्डी की बात कर रहा हूँ। फटाफट नीचे चलते हैं क्योंकि सब लोग वेट कर रहे होंगे। पापा इसमें भी लिख दे रहा हूँ ना। वेरी गुड। अरे
अरे हंस, तुम्हें खाने पीने की चीजें क्यों पैक कर रहे हो? कोमल, खाने पीने की भी चीजें उतनी जरूरी है जितना ये सब। हाँ मम्मी, आप तो वहाँ पे होंगे नहीं, फिर रात को हम दोनों को भूख लगी तो? सही बात है बेटा। ओके बेबी, पैक करो। अच्छा मिस्टर गुलाब कुमार, आपने आपके कॉलेज के बुक्स वगैरह पैक कर ली, वो भी इतनी जरूरी है? सही बात है बेटा। मम्मी आप आपकी पैकिंग करो, पापा आप नाश्ते की पैकिंग करो, मेरी बुक की पैकिंग वो बैग में हो गई है। गुड गुड। अच्छा हंस, इसमें मैंने ज्वेलरी रख दी है। अंजलि सब कुछ पैक हो गया ना? हाँ बाबा, सारी चीज पैक हो गई। सारी चीज? मेरी सबसे कीमती चीज भी पैक हुई कि नहीं? हाँ, आपकी सबसे कीमती चीज कैसे पैक हो सकती है? मतलब तारा, आपकी सबसे कीमती चीज तो मैं हूँ ना, मैं कैसे पैक हो सकती हूँ? जनाबे आली, आप चीज नहीं है, आप तो जीवन है मेरा। ओह माय गॉड, तो बाकी कौन सी चीज पैक करनी है? जो भी जो जीवन चलाने के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरी कलम। तारा, कागज कलम सब कुछ पैक कर दिया और उसे मेरे पास रख लिया है। अरे वाह, तुम क्या करोगे कलम का, लिखना तो मुझे भाई। चलो चलो। देखना ध्यान से, मेरी कोई भी चीज तेरी बैग में ना आ जाए। अरे टप्पू के पापा, आपकी सारी चीजें मैंने अलग से आपकी बैग में रख दी। फिर भी आप चेक करके देख लीजिए, कुछ रहता नहीं गया है ना, वरना क्या है फिर आप ही कहेंगे कि गया, ये रह गया, वो रह गया। चले चेक कीजिए, चेक कीजिए। ठीक है ना भाई, रह भी गए तो हम कहाँ दूर जा रहे हैं, सोसाइटी का सोसाइटी में ही तो है। रख रख जल्दी चल। ओ, 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 हमारे पास इतने सारे दागिने हैं। वैसे इसमें से कई दागिने मेरी माँ के दिए हुए भी हैं। चल चल पैक कर, पैक कर, पैक कर जल्दी, चल चल बंद कर। मम्मी पापा, हम लोग का सामान पैक हो गया है, हम लोग रेडी है। शाबाश बेटा, बापूजी की सारी चीजें ले ली है ना? हाँ पापा। देखना बापूजी की कोई भी चीज रह ना जाए। पापा हम कहाँ दूर जा रहे, कुछ रह भी गया तो सोसाइटी के सोसाइटी में ही तो है। तारा पैकिंग हो गया? हाँ, इसमें मेरे कपड़े, जेवर और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए मैंने। ओके। आराम से भाई, शांति रख, तुझे भी रिपेंट कराऊंगा। रिनोवेशन के चक्कर में हम गोकुल धाम निवासी नए नए चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। दिवाली पर अपना घर पाने की आस लिए मुकादम को अपना घर सौंप के हम बाहर होने जा रहे हैं। हम जब अलग अलग घरों में रहते थे तो कितनी टेंशन, कितने हंगामे होते थे। अब सोचिए तो सभी एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे तो कितने ज्यादा हंगामे और कितने टेंशन होंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा अंदेशा और सबसे बड़ा डर कि क्या दिवाली पे हमें मिलेगा अपना घर। अब ये तो देखना होगा कहीं दिवाली पे हमारा घर पाने का सपना टूट न जाए। लेकिन आपकी हंसी और ठहाकों का रिनोवेशन जारी रहेगा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.